Hi everyone, welcome in Art and Designs by Miraj. And guys, again we are here for free class. जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्री क्लास की डिमांड कर रहे थे, तो हमने सोचा कुछ क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराएं। तो आपने प्रीवियस क्लास में सीखा कि किस तरह से एक बॉडी ब्लॉक से फ्लैश फिगर तक का पहुंचने का सफ़र तय किया जाता है। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आप समझेंगे बहुत ही आसान स्टेप में किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप फ्लैश फिगर तक पहुंचते हैं। तो आज का टॉपिक है लोअर बॉडी एंड स्टिक फिगर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे सिमिलर है, कैसे हम सिंगल लाइन से हम पहुंचते हैं बॉडी ब्लॉक पर और बॉडी ब्लॉक से पहुंचते हैं स्टिक फिगर से। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा मत। चलिए शुरू करते हैं क्लास की और बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगेन आप फर्स्ट क्लास ज़रूर देखें जो हमने अपलोड की है। और अब हम बढ़ते हैं लोअर बॉडी प्रपोजिशंस। देखिए दोस्तों, आप जब भी कभी सीखें कि किस तरह से बॉडी ब्लॉक बनाया जाता है, उसके लिए आप 5 स्टेप ज़रूर फॉलो करें। और ध्यान रखिएगा एक ही नोट कॉपी के ऊपर हो और आपकी नोट कॉपी की साइज़ A3 हो, ताकि आप बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएँ। हमारे सीखने का जो सिस्टम है, अगर वो बहुत आसान है तो हम बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। इसी तरह आप ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे कि हमें कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। मटेरियल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फैशन डिज़ाइनिंग। सो यहाँ पर मैंने लिया है एक ट्रांसपेरेंट स्केल। ट्रांसपेरेंट स्केल लेने के पीछे भी एक टेक्निक और साइंस है, मैं वो आगे क्लास पे शेयर करूंगी। ब्लैक पेन जो कि वाटरप्रूफ है, पेंसिल जो कि मैं यूज़ करती हूँ नटराज का, और यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैक पेन। ये टेक्निकल ब्लैक पेन है जिससे मैं बॉडी ब्लॉक को आउटलाइन करती हूँ, और आप ब्लैक पेन से भी, अदर ब्रांड के पेन से भी आउटलाइन कर सकते हैं। सो ये कुछ मटेरियल हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। बहुत ज़रूरी है शेडिंग पेंसिल, किस तरह से हम फ्लैश फिगर को शेड करते हैं, क्योंकि शेड के भी क्लास मैंने आप लोगों के लिए बनाई है इस फ्री क्लास में। सो ये तमाम मटेरियल आपको इन फ्री क्लास में, जो भी 1 क्लास से 10 क्लास जो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रही हूँ, उस पर आप लोगों को ये तमाम मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़रूर बाय कीजिएगा। अब थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको और बताऊँगी। इस क्लास के लिए आपको 3 कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि A3 साइज़ की होगी। एक में पूरा आप इलस्ट्रेशंस अपना लगाएंगे, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। मैं हमेशा कुछ नया करते रहती हूँ, इलस्ट्रेशन बनाती हूँ या फिर उसे नए टेक्निक के साथ आप क्रिएट करते हैं। हम हमेशा, मेरा प्रपोजिशंस रहता है कि मैं जो भी बनाऊँ उसे बहुत अच्छी तरीके से A3 कॉपी में प्रजेंट करूँ। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट करना भी एक आर्ट है, स्पेशली फैशन डिज़ाइनिंग में। हर फील्ड में प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की जो क्लास का गोल्डन की है, जो आपको लिखना है अपने ड्राइंग कॉपी में, वो है प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव करना। चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आपने देख ही लिया A3 है, क्लासमेट की ड्राइंग कॉपी है। आप इसे 3 ड्राइंग कॉपी ले लीजिएगा। अब आपको बताऊंगी मैं कैसे ये 3 ड्राइंग कॉपी काम आएगी। सो दोस्तों, क्लास फ्री है पर आपको मटेरियल फ्री नहीं मिलेगा। सो आप प्लीज़ बाय कर लें अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखा हमने किस तरह से पहले से ही रेडी करके रखा है आप लोगों के लिए। 5 स्टेप फॉलो करना है बॉडी ब्लॉक का, स्टिक फिगर का, रोबो फिगर एंड फ्लैश फिगर। चलिए शुरू करते हैं। और ध्यान रखिएगा द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आज के क्लास में सीखना है लोअर बॉडी प्रपोजिशंस एंड स्टिक फिगर। सो लोअर बॉडी प्रपोजिशंस की जो पॉइंट शुरू होती है, वो शुरू होती है 4 इंच से, जहाँ से आपकी हिप लाइन है। हिप लाइन से एंकल तक का जो प्लेस है, जो कि लाइंस हैं, वो होता है लोअर बॉडी प्रपोजिशंस। यहाँ पे आप क्रिएट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट थाई पे, नी पे, एंकल पे गलतियां करते हैं। इन गलतियों को सुधारने के लिए आपको लोअर बॉडी प्रपोजिशंस को स्पेशली अलग से, सेपरेट से स्टडी करनी है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आएंगे आपको एक ही बार में समझा देंगे कि बॉडी ब्लॉक कैसे बनता है, स्टिक फिगर कैसे बनता है, वो उनकी टेक्निक है। बट अगर आप आर्ट एंड डिज़ाइंस बाय मिराज से सीख रहे हैं, आप AD इंस्टीट्यूट से सीख रहे हैं, तो आप बहुत डिटेल में बहुत आसानी से सीख पाएंगे एंड आपको मज़ा भी आएगा। सो गाइज़, अगर आपको क्लास इंजॉय करते हैं, आप मेरे से सीखते हैं और वाकई आपको लगता है कि हमने कुछ सीखा है, तो अगेन बोलूँगी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे 75% सब्सक्राइबर सिर्फ वॉच करते हैं, देखते हैं, व्यूवर्स वॉच करते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, बट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से नी पॉइंट को हम शेप आउट करते हैं, एंकल पॉइंट को किस तरह से शेप आउट करते हैं। लोअर बॉडी प्रोपोजिशंस 4 इनसे शुरू होता है। क्रॉच एरिया से आप इस तरह से अपर से डाउन एंकल पॉइंट जहाँ पे 9.5 आता है स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपका थाई एंड एंकल एंड नी वाला प्लेस। अब क्रॉच एरिया क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी आप समझिएगा। क्रॉच एरिया हर स्टूडेंट भूल जाता है। क्रॉच एरिया ये होता है बिकनी लाइन। क्रॉच एरिया को कहते हैं बिकनी लाइन। बिकनी लाइन से आप कोई भी नया आउटफिट डिज़ाइंस करेंगे तो आपको वहाँ पे डिज़ाइन करना, ड्राइंग करना बहुत आसान होगा, अगर आपको सही तरीके से पता है कि कैसे हम क्रॉच एरिया पे डिज़ाइन सेट करते हैं। तो ये है लोअर बॉडी प्रोपोजिशन, जहाँ पे आपको एक एक बॉडी पार्ट की स्टडी करनी है। एंकल पॉइंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप शूज़, सैंडल्स, डिफरेंट टाइप के जो बूट्स, ये सारे डिज़ाइन करते हैं, तो एंकल पॉइंट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है आपके फैशन डिज़ाइनिंग में। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया अपना बॉडी ब्लॉक। नंबर 1 पे था स्टिक फिगर, ध्यान रखिएगा, राइटिंग डाउन कर लीजिए और प्रीवियस क्लास ज़रूर देखिएगा जो कि मैंने अपलोड किया है। और आज मैं इस तमाम वीडियो को सेपरेट सेट कर दूंगी, जहाँ पे आपका फ्री क्लास 2023 अप्रैल रहेगा, तो आप आसानी से जब भी वीडियो अपलोड होगा आप देखते जाएंगे। हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ऑल में ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारे अपलोड किए हुए वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर आए। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया अपना आज का ये क्लास, जिसमें आपने देखा कि लोअर बॉडी की कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितना प्रेजेंटेशन का इम्पॉर्टेंट है, ड्राइंग कॉपी की कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं फ्रेश कर देती हूँ आप लोगों के क्लास को। जब भी आप बॉडी ब्लॉक शुरू करें तो आपको अपने ड्राइंग कॉपी में इस तरह से बनाना है 4 कॉलम्स, ध्यान दीजिएगा। अगेन अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसमें आप लोग लिखेंगे 1 2 3 4, 4 स्टेप फॉलो करना है। क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप वॉच करते हैं, ये एक टेक्निक है दोस्तों कि अगर आप एक ही शीट पे 4 स्टेप फॉलो करते हैं, आपको समझ में आएगा कि सिंगल लाइन डिवाइडेशन क्यों करते हैं, बॉडी ब्लॉक क्यों बनाते हैं, बॉडी ब्लॉक के बाद स्टिक फिगर क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद कैसे कनेक्टेड है रोबोटिक फिगर स्टिक फिगर से। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट को इस तरह से सिखाना पसंद करती हूँ। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड है मेरे साथ जूम क्लास में ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करना, तो डिप्लोमा की बैच शुरू हो रही है, एडमिशन ओपन है। आप भी घर से रह के अपनी फैशन डिज़ाइनिंग की कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐप हमारा है जो कि फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम है जहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स की शीट एंड वर्क देख सकते हैं। तो ये तमाम डिटेल्स एक बार ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिएगा, अगर वाकई आप चाहते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में अपना नाम बनाए। एंड दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक ना एक दिन उस मुकाम पर ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ लोग आपको कहेंगे आप एक फैशन डिज़ाइनर हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा यहाँ पे स्टिक फिगर। स्टिक फिगर के लिए हमने लिया है एक स्ट्रेट लाइन, जो कि हम इस स्ट्रेट लाइन की जो साइज़ है वो 10.5 है। और यहाँ पे मैं हेड बना रही हूँ, 0 से 1 पे हेड बना रही हूँ। बॉडी ब्लॉक बनाना आपने सीखा होगा, तो आपके लिए स्टिक फिगर बनाना बहुत बहुत आसान है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे नेक ड्रॉ करेंगे, जो कि ½ इंच डाउन आएगा। और इस तरह से शोल्डर हम बनाएंगे 3rd 4th ईच साइड। ये बहुत आसान है, मेरे ख्याल से स्टिक फिगर बनाना बहुत आसान है सिंगल लाइन डिवाइडेशन से भी। अब आते हैं हम वेस्ट पॉइंट में, हिप पॉइंट पे। हर पॉइंट पे आपको एक बिंदी डालना ज़रूरी है, ब्लैक पॉइंट डालना ज़रूरी है, नंबरिंग करना ज़रूरी है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप स्टिक फिगर बना रहे हैं, रोबोटिक फिगर बना रहे हैं या फ्लैश फिगर बना रहे हैं, लेकिन आप नंबरिंग कीजिए, आप सबको पता चलेगा कि कौन से बॉडी पार्ट कहाँ पर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने नंबरिंग किया, लाइन भी पॉइंटेड कर रहे हैं और इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से स्टिक फिगर बनाना सीख जाएंगे। स्टिक फिगर का टेक्निक बहुत ईजी है, पर ध्यान रखिएगा ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब आते हैं, हम सीधे आते हैं वेस्ट पे, और वेस्ट पे हम लेंगे 1/2 इंच ईच साइड और हिप पे लेंगे 3/4 ईच साइड। यहाँ पे शोल्डर का और हिप का मेजरमेंट सेम होता है। वेस्ट आपकी स्लिम होती है, इसलिए यहाँ पे वेस्ट आपका स्लिम ना होगा। अब यहाँ पे हम पॉइंट करते हैं। इस तरह से आप देख लिए कि हमने शोल्डर पे सिर्फ सिंगल लाइन डाला, वेस्ट पे सिंगल लाइन डाला। आप सीधे हैंड पे आएंगे, हैंड का प्रोपोजिशन रखेंगे 3.5, ठीक है, 3.5 ही एक्चुअल मेजरमेंट है, और पाम का मेजरमेंट है डाउन से अप 3/4। इस तरह से आप पॉइंट करेंगे। याद रखिएगा जो आपके हैंड का मूवमेंट है वो वेस्ट लाइन से डिवाइड होता है। कहाँ से आप अपनी बॉडी को भी अगर सीधा करेंगे तो आपके जो कोहनी है, आपके जो हैंड्स का ज्वाइंट से, वो आपके वेस्ट से टकराता है। सो दिस इज़ द आइडियल प्रपोजिशंस। इस तरह से आप हैंड ड्रॉइंग करेंगे। ये है स्टिक फिगर जो कि आप बहुत आसानी से सीख रहे हैं। सिंपल फंडामेंटल है कि आपको मूवमेंट यहाँ पे ड्रॉ करना है एक स्टिक फिगर के साथ। अब देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया। अब आते हैं थाई पे। थाई पे अगेन हम प्रपोजिशन डालेंगे नी का, घुटने से मूवमेंट आता है जॉइंट से। जॉइंट्स को फोकस करना ज़रूरी है। आपके मॉडल का जो मूवमेंट है वो आपके जॉइंट से चेंज होता है। तो यहाँ पे मैं राइट लेग को थोड़ा सा मूव करूँगी और साइड में इसे ड्रॉ करूँगी। तो इस तरह से स्ट्रेट किया मैंने नी तक, एंड नी से प्रपोजिशन मैं चेंज कर दूँगी क्योंकि यहीं से जॉइंट्स चेंज होता है। सो इस तरह से देखिए मैं नी के साथ थोड़ा सा लेग को राइट की तरफ मोड़ रही हूँ। ये देखिए ये थोड़ा सा फोल्ड हुआ है क्योंकि हमेशा आपके जॉइंट से ही फोल्ड आता है। अब हम लेफ़्ट लेग को स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, इसको भी थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, एंड देन दिस इज़ द डन। सो ये बहुत आसान था, मुझे भी बहुत मज़ा आया। ये वीडियो की सीरीज़ आप ज़रूर देखिए, आपको इलस्ट्रेशन बहुत इम्प्रूव होगा। लेकिन अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग सीखना है तो फैशन डिज़ाइनिंग में 7 सब्जेक्ट्स है और सारे सब्जेक्ट्स की आपकी स्टडी करना है। अगर आप सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंड हैप्पी लर्निंग विथ AAD। सो अगेन मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कैरियर बनाना है, घर से बनाना है, हाउसवाइफ हैं, गर्ल्स हैं, तो आप बहुत आसानी से डिप्लोमा हमारे साथ कर सकते हैं। हमारे शॉर्ट कोर्सेज भी हैं जो तमाम डिटेल्स ऐप पे मौजूद है। ऐप का नाम है AAD बाय सारा मिराज, जहां आपको मिलते हैं बहुत सारे फ्री कंटेंट एंड फ्री इंफॉर्मेशन, स्टडी नोट्स। आप जल्दी जल्दी जाइए, डाउनलोड कीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, और घर में ही रह के सीखिए ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग विथ आर्ट एंड डिज़ाइंस बाय मिराज के साथ। सो मुझे बहुत मज़ा आया। मैं जानना चाहूँगी कि आप कहाँ से हैं, आपको सीखना कैसा लगा, आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं। आप अपनी राय ज़रूर रखिए क्योंकि अपना राय रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जल्दी से देख लीजिए। अगेन मटेरियल के डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। ये मटेरियल लगेंगे आपके फ्री क्लास में, जो कि 1 से लेकर 10 तक की फ्री क्लास है। वैक्स कलर भी मैं इस फ्री क्लास में सिखाने वाली हूँ, तो ज़रूर से ज़रूर वैक्स कलर भी बाय कर लीजिएगा। धीरे धीरे आते रहूँगी, सिखाते रहूँगी। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे।